अब से कुछ ही दिनों में हम सभी एक नए वर्ष 2022 में प्रवेश करने वाले हैं और ऐसे में सभी के मन में एक जिज्ञासा होती है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा रहने वाला है, इस वर्ष हम किस तरह की उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे या फिर इस वर्ष किस तरह की परेशानी आ सकती है जिसके लिए कि हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में हम गोचर में बनने वाली ग्रह स्थितियों के माध्यम से 2022 में होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में एनालिसिस करेंगे। बात करें अगर वर्ष 2021 की तो 2021 हम सभी के लिए एक बहुत ही कठिनाइयों से भरा वर्ष रहा है। 2021 की शुरुआत हुई थी किसान आंदोलन से, फिर आया कोरोना जिसने कि हम सभी को हिला कर रख दिया और 2021 ने जाते जाते हमको सीडीएस श्री विपिन रावत जी के निधन के रूप में एक बहुत ही बड़ा नुकसान दिया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि 2021 हम सभी के लिए एक कठिन और परेशानियों से भरा वर्ष रहा है। और 2021 में मैंने 2021 से पहले ही टाइम टाइम पर अपनी वीडियोस के माध्यम से आप सभी के साथ ग्रह स्थितियों के विश्लेषण के द्वारा कब क्या घटना हो सकती है इसके बारे में शेयर किया था, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो कोरोना की दूसरी लहर हो, चाहे वो लॉकडाउन हो और चाहे सीडीएस विपिन रावत जी का निधन हो। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में ही आपसे कहा था कि आने वाले कुछ समय में भारत को किसी बड़े राजनेता के या किसी बड़े व्यक्ति के रूप में एक नुकसान देखना पड़ सकता है। कोरोना की तीसरी लहर के बारे में भी मैंने बहुत ही सटीकता के साथ प्रेडिक्शन दिया था जो कि दस्तक दे रही है पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी के साथ। बात करें वर्ष 2022 की तो 2022 भी 2021 की तरह बहुत ही अच्छा नहीं रहने वाला है। इसके क्या कारण हैं और कब कब किस किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। 2021 की शुरुआत हुई थी जबकि सभी ग्रह राहु केतु एक्सिस में हों और इसलिए 2021 की शुरुआत से पहले ही मैंने आपसे कहा था कि 2021 भी 2020 की तरह हमारे लिए कठिनाइयों भरा वर्ष रहने वाला है और 2022 की शुरुआत भी क्योंकि राहु केतु एक्सिस से हो रही है, सभी ग्रह राहु केतु एक्सिस में होंगे तो इसलिए ये पूरा वर्ष भी हम सभी के लिए बहुत ही उपलब्धियों वाला वर्ष नहीं रहने वाला है। इस वर्ष भी हम सभी को सावधान रहना होगा। 2022 की शुरुआत में आप देखेंगे चंद्र अपनी नीच राशि से गोचर कर रहे होंगे और सभी ग्रह क्योंकि राहु केतु एक्सिस में है तो इसलिए यहां से आप कह सकते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर विस्तार पकड़ सकती है, हम सभी को सफर करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि में केतु के साथ में गोचर कर रहे हैं तो इस तरह की स्थिति भी 2022 की शुरुआत में पैदा हो सकती है और पूरे 2022 में शायद इस तरह की स्थितियां पैदा होती रहें कि जबकि आर्मी और पुलिस को अपना मनोबल खोना पड़े या फिर बैकग्राउंड में वर्क करना पड़े या किसी तरह की असहजता को फेस करना पड़े। वो असहजता हम लोगों की वजह से भी हो सकती है, हो सकता है 2022 में इस तरह की स्थितियां बने कि पुलिस आम लोगों को समझाने की कोशिश करे और विद्रोह जैसी स्थितियां बन सकती हैं, अकारण ही किसी तरह के वॉयलेंस की स्थितियां बन सकती हैं क्योंकि आप देखेंगे मकर वृश्चिक राशि में मंगल और चंद्र और केतु का योग 2022 की शुरुआत में ही बन रहा है। अब आगे अगर बात करें तो फरवरी में आप देखेंगे 28 फरवरी को मकर राशि में 5 ग्रहों की युति बनने वाली है और इन्हीं के त्रिकोण में राहु होगा तो ऐसे में ये पंच ग्रह युति भी विश्व पटल पर बहुत ही अच्छे संकेत देती नहीं दिख रही है। ऐसे में प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं और साथ ही साथ क्योंकि मंगल भी मकर राशि में शनि के साथ गोचर कर रहा होगा और उसी के त्रिकोण में राहु भी होगा तो ऐसे में आतंकवादी गतिविधियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अगर भारत की बात करें तो इसी समय भारत के 5 बड़े राज्यों में चुनाव भी चल रहे होंगे या फिर उसकी तैयारियां बिल्कुल चल रही होंगी तो ऐसे में कह सकते हैं कि चुनावी सियासी पारा इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि देश में स्थितियां असामान्य होने लगेंगी। तो यहां पर किसी तरह के पॉलिटिकल षड्यंत्र या किसी तरह की बड़ी घटना का संकेत मिलता है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो सुनियोजित तरीके से की जाए
किंतु कुल मिलाकर हम सभी को इस ग्रह स्थिति के कारण सफर करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ से कोरोना की तीसरी लहर भी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगे। आगे अगर आप देखेंगे तो 7 अप्रैल तक शनि मंगल का मकर राशि में योग रहेगा और इसके त्रिकोण में राहु रहेगा। तो 7 अप्रैल तक की जो स्थिति होगी वो आतंकवाद, प्राकृतिक घटनाओं और देश में, दुनिया में वायलेंस की स्थिति को बढ़ाने वाली रहेंगी। और ये समय होगा जबकि अर्थव्यवस्था एक बार फिर से कमज़ोर होती दिखेगी, रोजगार की स्थिति एक बार फिर से कमज़ोर होती दिखेगी। हालांकि सरकार अपने स्तर पर सारे प्रयास कर रही है रोजगार की स्थिति और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की, किंतु फिर भी ये स्थितियाँ बहुत ही अच्छे से संभल नहीं पा रही हैं। मैंने 2021 में ही आपसे कहा था कि 2021 में, क्योंकि शनि मकर राशि में प्रवेश कर रहा था, 2021, 20 और 19 में मैंने आपसे कहा था, क्योंकि ये समय शनि के मकर राशि का था, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर की गवर्नमेंट कुछ लेबर से रिलेटेड कानून लाएगी जो कि उनको सशक्तिकरण देंगे और इस समय में लेबर या फिर श्रमिक वर्ग अपने आप में बहुत ही तेजी के साथ उभरेगा। वो किसी तरह का विद्रोह सरकार के विरुद्ध कर सकता है और सरकार को इस वर्ग की वजह से किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और आपने देखा 2021 में किसान आंदोलन किस तरह से रफ्तार पकड़ा है सरकार की नीतियों की वजह से, क्योंकि सरकार ने किसानों के लिए कानून बनाया जो कि उनको पसंद नहीं आया और उसके बाद उन्होंने विद्रोह किया सरकार के खिलाफ। तो ये स्थिति एक बार फिर से, क्योंकि मकर राशि में जाते जाते, शनि के जाते जाते, क्योंकि ये शनि का मकर राशि में लास्ट फेस है, मंगल का संबंध वहाँ पर बन रहा है और जिसके त्रिकोण में राहु है, तो ऐसे में एक बार फिर से ये स्थिति बन सकती है कि सरकार को किसी तरह के विद्रोह का एक बार फिर से सामना करना पड़े। और ये समय होगा जबकि रियल इस्टेट में एक बार फिर से बहुत ज़्यादा तेजी आ जाएगी, जहाँ पर हो सकता है कि दुनिया भर में एक बार फिर से चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। हालांकि जब से गुरु ने कुंभ राशि में प्रवेश किया है, मैंने जब अभी पीछे गुरु ने मकर राशि में प्रवेश किया था तब मैंने आपसे कहा था कि अभी बहुत तेज़ी से चीज़ों की कीमतें बढ़ने वाली हैं और आपने देखा कि महंगाई अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही थी। अब जब से गुरु ने कुंभ राशि में प्रवेश किया है यहाँ से महंगाई की रफ्तार पर कुछ ब्रेक लगा है, तो इस तरह की स्थिति एक बार फिर से शनि के मकर राशि में मंगल के साथ युति करने पर आ सकती है। किंतु क्योंकि गुरु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो इसलिए वहाँ पर ये स्थिति काफ़ी हद तक संभालने योग्य होगी, किंतु फिर भी हम सभी को सफ़र करना ही करना पड़ेगा। आगे अगर अप्रैल की ही बात करें तो अप्रैल में बहुत ही सारी ग्रह स्थितियाँ बहुत ही तेज़ी के साथ बदलने वाली हैं। आप देखिएगा 13 अप्रैल को राहु राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आने वाला है, 14 अप्रैल को गुरु अपना राशि परिवर्तन करेगा, 15 अप्रैल को सूर्य और राहु की युति मेष राशि में बनेगी, जो कि अपने आप में एक बार फिर से इंडिकेशन देती है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को सफ़र करना पड़ सकता है, यहाँ पर किसी बड़े राजनेता को सफ़र करना पड़ सकता है, यहाँ पर किसी न किसी तरह की स्थिति ऐसी बनेगी जिससे कि, क्योंकि अगर राजनेता सफ़र करेंगे, गवर्नमेंट सफ़र करेगी, तो कहीं ना कहीं हमें तो सफ़र करना ही पड़ेगा ना, गेहूं के साथ धुन तो पिसना ही पिसना है। उसके बाद इसी समय में मंगल, शुक्र और केतु का भी रिलेशन बनेगा, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि अप्रैल और अप्रैल के आने वाले कुछ समय में किसी तरह का नारी शोषण हो सकता है या नारी उत्पीड़न की बड़ी घटना सामने आ सकती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 30 अप्रैल को शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहा है और 30 अप्रैल को ही एक सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, तो ऐसे में अप्रैल में बहुत ही सारी ग्रह स्थितियां बन रही हैं जो कि अपने प्रभाव दूरगामी दिखाएंगी, यानी कि अप्रैल में बनने वाली इन स्थितियों का प्रभाव अगस्त तक देखने के लिए मिलेगा। वैसा तो है नहीं कि अप्रैल में अगर बीज बो दिया तो अप्रैल में उसका फल निकल आएगा, तो यानी कि अप्रैल से अगस्त तक का समय काफ़ी सेंसिटिव रहने वाला है, जहाँ पर कि इस तरह की घटनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, कोरोना की लहर हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो आर्मी और पुलिस का सफ़र करना हो, चाहे वो सेनाओं का बॉर्डर पर आपस में तनाव हो, आप पड़ोसी देशों के साथ किसी तरह का झगड़ा हो, दुश्मनी हो, इस तरह की घटनाओं का बहुत ही ज़्यादा
प्रभाव रहेगा, चाहे वो प्राकृतिक घटना ही क्यों ना हो। किंतु फिर भी अप्रैल में एक और शुभ स्थिति भी बन रही है कि 25-26 अप्रैल को सभी ग्रह राहु केतु एक्सिस से मुक्त हो जाएंगे, राहु केतु का ये एक्सिस टूट जाएगा। तो यहाँ से फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर अप्रैल से अगस्त तक स्थितियाँ खराब रहेंगी तो अगस्त के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्थितियाँ शायद सुधरने शुरू हो जाएं, क्योंकि राहु केतु एक्सिस टूट चुका होगा और ग्रहों के नेगेटिव इफेक्ट्स भी कम होने शुरू हो जाएंगे। अगर आगे और बढ़ते हैं तो आप देखेंगे जून में मेष राशि में मंगल और राहु की युति बन रही है, जो कि एक बार फिर से इंडिकेट करती है वायलेंस को, एक बार फिर से इंडिकेट करती है बड़ी प्राकृतिक घटनाओं को, एक बार फिर से इंडिकेट करती है किसी तरह की लॉकडाउन जैसी स्थिति को, एक बार फिर से इंडिकेट करती है सीमाओं पर बढ़ते तनाव को, एक बार फिर से इंडिकेट करती है किसी बड़ी दुर्घटना को, चाहे वो रेल से संबंधित हो, चाहे वो आकाशमार्ग से संबंधित हो, एक बार किसी बड़ी आगजनी को इंडिकेट करती है। तो हम कह सकते हैं कि 2022 भी हम सभी के लिए एक कठिनाइयों से भरा वर्ष रहने वाला है। तो यहाँ पर हमें एक बार फिर से खुद को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सुदृढ़ करना होगा, ताकि हम सभी इन सभी घटनाओं का बहुत ही दृढ़ता के साथ, सटीकता के साथ सामना कर सकें और समय को हम मात दे सकें। क्योंकि हमारे पास केवल खुद को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सुदृढ़ करने के अलावा कोई मार्ग नहीं है, और जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सुदृढ़ हो जाता है वो सभी प्राकृतिक और मानवीय परेशानियों से निकल जाता है, जैसा कि हमने 2021 में किया, 2020 में किया, कोरोना की बड़ी बड़ी लहर का, बड़ी बड़ी परेशानियों का हमने सामना किया और उसके बाद आज सभी शांति के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़े अष्टसूत्र के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।